साध्वी से रेप का गुनहगार राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में बंद है। रोहतक की जेल में ही आपको याद दिला दें, सोमवार यानी कि 28 अगस्त को राम रहीम को सजा सुनाई जाएगी, क्वांटम ऑफ पनिशमेंट का ऐलान होगा। राम रहीम जेल में बंद है तो उसके लंपट समर्थकों पर भी नकेल कसने का सिलसिला लगातार जारी है। सिरसा सहित आपको बता दें, हरियाणा के अलग अलग शहरों में राम रहीम के डेरों को सील किया जा रहा है, डेरों में जमा समर्थकों को बाहर निकाला जा रहा है। और इन सब के बीच आपको बता दें, हरियाणा के मुख्य सचिव ने एक बड़ा खुलासा किया है। हरियाणा के मुख्य सचिव ने बताया है कि चेकिंग के दौरान राम रहीम के काफिले से AK-47 और माउजर मिली है। उधर इस पूरे मामले पर हरियाणा हाईकोर्ट की कार्यवाही भी जारी है। हाईकोर्ट ने राम रहीम को सजा सुनाए जाने के बाद भड़की हिंसा को लेकर फटकार भी लगाई सरकार को। और सीधे रोहतक का हम रुक करना चाहेंगे, जहां से हमारे संवाददाता सुमित चौधरी हमारे साथ मौजूद है। सुमित, बेहद अहम है रोहतक और वहां पर जिस जेल में बंद है बाबा, उसकी सुरक्षा भी बहुत अहम है, क्योंकि आज जिस तरीके से कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया है कि वहीं पर अब अदालत लगनी है सोमवार को और फिर क्वांटम ऑफ पनिशमेंट का ऐलान होगा, तो सुरक्षा के क्या इंतजाम और क्या तैयारी? हम सीधे आपको बातचीत कराने के लिए यहाँ के डीसी जो है अतुल द्विवेदी जी, उनसे बात कराते हैं, क्योंकि वो लगातार यहाँ पर सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं। और यहाँ पर खास बात यह कि न सिर्फ दिन में बल्कि रात को भी, अभी अगर आप देखें तो आला अधिकारी जो है वो हर नाके का, हर जगह का जायजा ले। सर, 28 तारीख को लेकर क्या आप लोगों की तैयारियां हैं और अभी किस तरीके से सिक्योरिटी की सिचुएशन है? सिक्योरिटी की सिचुएशन को रिव्यू करने हम लोग निकले हैं, सारे नाके पॉइंट चेक कर रहे हैं। कल भी पूरी रात हमने नाइट पेट्रोल करा है और सभी नाकों को हमने चेक किया था, वही सेम चीज हम आज भी कर रहे हैं। सभी सीनियर अफसर, ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स, पुलिस ऑफिसर, सब हर कोई फील्ड में जाके रात में भी चेक कर रहा है कि किसी भी नाके या कोई भी पॉइंट पे कोई कोताही ना हो। और खासतौर पे जब हाईकोर्ट ने जो कहा है कि 28 तारीख को जो सेंटेंसिंग है उसका वो वहीं सुनाई जाएगी कोर्ट प्रीमिसेस, तो उसको लेकर क्या तैयारियां की गई, क्योंकि जजेस को भी आना होगा और उनके सेफ पैसेज के लिए भी क्या तैयारियां? माननीय पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के जैसे भी डायरेक्शन होंगे उसको बिल्कुल सार्कोसेंटली हम लोग फॉलो करेंगे। और कितने लोग सुबह सुबह एक बार फिर से इनसे कुछ स्पष्टीकरण ले लीजिए, क्योंकि खबरें लगातार यही आई थी कि बाबा को वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है जेल में, एसी कमरे में रखा गया है, कई जगहों से बोतलें मिल रही है, कपड़े भी मिल रहे हैं। हालांकि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ये कहा गया कि आम कैदी की तरह ही रखा गया है, फिर इस तरह की खबरें क्यों सामने आई और क्यों नहीं वो साफ कर पाए कि कथित बेटी हेलीकॉप्टर में उनके साथ क्यों मौजूद थी? जो खबरें आ रही हैं वो ये कि लगातार की बिस्लेरी का पानी दिया गया उनको, वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया उनको, गद्दे दिए गए, क्या ये बातें जस्टिफाई हैं फिर सही है? नहीं, मैं ये क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि इस तरह के र्यूमर्स हैं ये, और बिल्कुल एक नॉर्मल, एक जैसे कैदी होता है वैसे उनको जेल मैनुअल के तहत जो प्रोसीजर है वो फॉलो किया जा रहा है और इस तरह की कोई प्रिविलेजेस नहीं दी जा रही। बाबा से आज कोई मिलने भी आया था उनका रिश्तेदार? नहीं, वी हैव नो इन्फॉर्मेशन एज सच। जेल मैनुअल्स के हिसाब से जो भी अलाउड है, जो भी प्रोसीजर्स अलाउड हैं, जो भी खाना अलाउड है, दैट इज बीइंग फॉलोड। कोर्ट परिसर से चॉपर में हमने देखा था बाबा चॉकलेट खा रहे थे, उनके बगल में उनकी कथित बेटी हनीप्रीत भी मौजूद थी। जेल सुप्रिटेंट इज कीप फॉलोइंग द जेल मैनुअल एंड इट इज ऑल द प्रेरोगेटिव ऑफ जेल सुप्रिटेंट। क्या, क्योंकि सवाल ये भी उठे कि बाबा जो अपने चॉपर के साथ अपनी बेटी के साथ आए, क्या ये अलाउड होता है कि जेल मैनुअल्स के साथ? नहीं, सी इट इज नॉट दैट क्वेश्चन। ही वॉज ब्रॉट इन हेलीकॉप्टर फॉर सिक्योरिटी रीजंस, दैट एवरीबडी नोज नाउ, so that is the thing of past. he was because Pensacola mein yesterday you saw that the law and order situation was not very good and he had to be taken out. Sumit, बहुत संक्षेप में हरिप्रीत कहां से कहां गई? चॉपर में उनके साथ बैठी थी वो, सामने चॉकलेट खा रहे थे, उसके बाद वो कहां गई, वो वहां क्यों बैठी थी, बस इतना सा सवाल है, संक्षेप में जवाब। देखिए निश्चित तौर पर, लेकिन हमने उनसे सवाल पूछे डीसी साहब से, लेकिन उनका लगातार ये कहना था कि जो भी चीजें हुई हैं वो जेल मैनुअल के हिसाब से हुई, और जिस तरीके से वीआईपी ट्रीटमेंट की बात की जा रही थी कविता, ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि आधिकारिक पुष्टि उन्होंने की है, लेकिन लगातार हमारे सूत्र या फिर हमें जो खबरें मिल रही है वो यही मिल रही है कि ना सिर्फ बाबा को पानी दिया गया, मिनरल वाटर, बल्कि ये भी कहा गया कि उनको मेट्रेस, क्योंकि लगातार कमर में दर्द होने की बात कह रहे थे। आपने याद होगा कि जब उनको कोर्ट में पेश हुआ था उन्होंने ट्वीट करके कहा कमर में दर्द है, उसके बावजूद हमारी कमर में दर्द है और इसके बावजूद पहुंचेंगे, तो ये जरूर हमें खबरें मिल रही हैं जेल की तरफ से, सूत्रों के हिसाब से, कि उनको ये वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया। लेकिन आधिकारिक रूप से ये पुष्टि की गई कि ऐसा कोई भी साख सुविधा या फिर वीआईपी ट्रीटमेंट बाबा को नहीं दिया गया। बिल्कुल सुमित, आप बने रहिए मेरे साथ, फिर लौटेंगे आपसे जानकारी के लिए।
इंडिया न्यूज के पास आपको बता दें वो एक्सक्लूसिव चार्जशीट है जिसमें बाबा राम रहीम के गुनाहों का पूरा काला चिट्ठा मौजूद है। सीबीआई के चार्जशीट में खुलासा इस बात का हुआ है कि बाबा रात में चुन चुन कर लड़कियों को अपनी गुफा में ले जाता था, रेप से पहले उन लड़कियों से डेरे के अनुभव के बारे में पूछता था, उनके निजी जिंदगी के बारे में पूछता था और उनके द्वारा की गई गलतियों के बारे में भी पूछता था और फिर बातों ही बातों में उन्हें अपने पास खींच लेता था। रेप के बाद बाबा कहता था कि वो बाहरी दुनिया में रहती है इसलिए अपवित्र है, अब रेप के बाद वो पवित्र हो गई है और वो ऐसा करके उसे पवित्र कर रहा है और अब उसकी सारी गलतियों को माफ कर दिया गया है। रेप के बाद बाबा लड़कियों से कहता था कि वो साध्वी बन चुकी है इसलिए उसके तन मन पर सिर्फ बाबा का अधिकार है। रेप के बाद गुफा से जो लड़की बाहर निकलती थी उससे दूसरी लड़कियां पूछा करती थी कि क्या बाबा ने उसे माफ कर दिया, इसका मतलब साफ होता था कि क्या बाबा ने उसका रेप किया या फिर नहीं। सिरसा के डेरा में बाबा की दो गुफाएं थी, एक पुरानी बिल्डिंग में और दूसरी नई बिल्डिंग में। चार्जशीट में खुलासा हुआ है कि पुरानी और नई दोनों बिल्डिंग की गुफाओं में बाबा बारी बारी से लड़कियों को बुलाया करता था, गुफा की पहरेदारी साध्वी के जिम्मे रहती थी, दो शिफ्ट में ड्यूटी लगाई जाती थी, पहली शिफ्ट रात 8 बजे से 12 बजे तक की और दूसरी शिफ्ट रात 12 से सुबह 4 बजे तक की। रेप के बाद बाबा लड़कियों को नया उपनाम भी दिया करता था। पंचकुला का हम रुख करेंगे जहां पर विपिन परमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं और उन्हीं के साथ रजत राकेश टंडन भी हैं। पंचकुला में क्या माने रजत, क्या हालात सामान्य हो चुके हैं और अगर हो चुके हैं तो फिर क्या 36 लोगों की जानों के बाद हालात सामान्य हुए हैं और उससे भी बड़ी बात यह है कि चार्जशीट में जो खुलासा हुआ है वो वाकई चौंकाने वाला है। साफ हो जाता है कि बाबा दरअसल साध्वियों का ब्रेन वॉश किया करता था और उसके बाद करता था उनका रेप। जी बिल्कुल, देखिए पंचकुला का जो आज माहौल था, जो हम दिन भर पंचकुला में रहे, पंचकुला बिल्कुल नॉर्मल था, लोग सड़कों पर थे, आराम से परिवार को लेकर चल रहे थे, बच्चे थे उनके साथ, जो आर्मी के लोग यहाँ थे उनको वो यहाँ पर धन्यवाद दे रहे थे जिस तरीके से आर्मी ने रोल निभाया। लेकिन ये सवाल बड़ा है कि पंचकुला जला क्यों, क्या वो मौतें जस्टिफाई की जा सकती है, क्या उन मौतों की जरूरत थी पंचकुला के अंदर। मेरे सहयोगी विपिन मेरे साथ है। विपिन, पंचकुला शांत है, लोग देखा हमने अपने परिवारों के साथ निकल रहे हैं, लेकिन क्या ये सब कुछ उस कीमत पे हुआ कि 25 से 30 लोगों की जान जाती है 24 घंटे के अंदर, उसी के बाद पंचकुला शांत होता है? देखिए बिल्कुल, कहीं ना कहीं पहले दिन से ही सवालों के घेरे में जो है सारा का सारा प्रशासन का जो डिप्लॉयमेंट रहा, जिस तरह से रणनीति बनाई गई, जो अधिकारी निर्देश दे रहे थे सरकार को, वो अधिकारी आखिर इतना समय क्यों लगा और ये समय जो है जानों को गवाकर क्यों जो है। विपिन, यही सवाल तो आज हाईकोर्ट ने किया, यही तो बात आज हाईकोर्ट ने, इसीलिए तो राज्य सरकार को फटकार लगाई और ये कहा कि आपने राजनीतिक फायदे के लिए पंचकुला को जलने दिया, आपने बाबा के सामने सरेंडर कर दिया। लेकिन रजत, उससे भी बड़ी बात तो ये है कि चार्जशीट में जिस तरह की बातें सामने आई है उससे ये साफ हो जाता है कि जो साध्वी श्रद्धा का भाव लेकर आश्रम जाती थी उसको किस तरीके से टॉर्चर किया जाता था, उसको परेशान किया जाता था, उसका ब्रेन वॉश किया जाता था और उससे ये कहा जाता था कि आप पवित्र तब होंगी जब बाबा आपका रेप करेंगे और तब आपको माफी मिलेगी। किस हद तक ब्रेन वॉश किया जाता था? तो रसिया जी आप वाले में ना, बिल्कुल, देखिए ब्रेन वॉश किया जाता था और अभी ये सिर्फ एक ही मुकदमा है जिसमें ये सजा सुनाई गई है। आने वाले समय में जो लोग डरे हुए थे, जिनकी बातें नहीं सुनी जा रही थी, राजस्थान के कई ऐसे केसेस हैं, पंजाब के कई ऐसे केसेस हैं जिस पे फास्ट ट्रैक ट्रायल शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब बाबा अंदर है, वो रसूख काम नहीं करेगा। तो आप कह सकते हैं कि ये एक सिर्फ और सिर्फ एक चावल का दाना था जिसको जस्टिफाई होने में लगभग 15 साल लग गए। आने वाले समय में आप देखेंगे, जो आप ये आश्रम देख रहे हैं, बड़े बड़े डेरे देख रहे हैं 700 एकड़ के, ये 700 एकड़ के डेरे बाबा ने खुद खरीदे नहीं थे, ये 5 एकड़ और 10 एकड़ की जगह होती थी, लेकिन जब सत्संग बुलाया जाता था, डेरे की बैठक बुलाई जाती थी तो लोग जो थे वो उसको कब्जा करते रहते थे, कब्जा कर करके इतने डेरे बनाए गए। इतनी संपत्ति कहां से आई जिसका कोई इनकम टैक्स में हिसाब नहीं है, ट्रस्ट में आप नोटिफाई है, इतनी संपत्ति आपके पास कैसी आई, जो लग्जरी कार्स है, ये सबका हिसाब आने वाले समय में देना होगा। और मैं कह सकता हूं कि चौंकाने वाले नतीजे आएंगे, तब जनता की शायद आंख उठे, जो लोग यहां खड़े थे बाबा के समर्थन में, शायद थोड़ा वक्त और लगेगा तब उनकी आंख खुलेगी कि हां आखिर बाबा का असली स्वरूप क्या है।
बिल्कुल बिल्कुल रजत, थोड़ा सा और इंतजार, क्योंकि नकेल कसनी शुरू हो गई है। डेरों पर समर्थकों को खदेड़ा जा रहा है और जिस तरह का हथियार उनके पास है, लाठी डंडे पेट्रोल बम क्या नहीं बरामद हो रहा है, ये तो साफ हो जाता है कि यहाँ पर धर्म और आस्था का काम नहीं हो रहा था, यहाँ पर हो रहा था दहशत का काम। हम सीधे रुख कर सकते हैं यतेंद्र का, जो कि सिरसा से हमारे साथ मौजूद है। यतेंद्र, चार्जशीट में जो चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं वहां पर जिक्र है सिर्फ सिरसा का। ये कहा जा रहा है कि सिरसा में बाबा के दो ऐसे उनकी गुफाएं थी जिसमें वो साधुओं को बुलाया करते थे और उनका शोषण किया करते थे। क्या उन गुफाओं तक अभी तक पुलिस पहुंची है, सेना पहुंची है, उन गुफाओं को आइडेंटिफाई किया गया है? देखिए कविता, अभी तक गुफाओं को आइडेंटिफाई नहीं किया गया क्योंकि अंदर आर्मी को जाने का आदेश नहीं मिला है। आर्मी हालांकि जो डेरा सच्चा सौदा की जो सीमा है वहां तक वो एंट्री कर चुकी है, 500 मीटर दूरी पर ही डेरे का जो डेरे की जो मेन कैंपस है उससे 500 मीटर की दूरी पर सेना ने पड़ाव डाल लिया और उसके साथ आरएएफ है, उसके साथ हरियाणा पुलिस के जवान, महिला पुलिस के जवान और एसएसबी और सीआरपी की फोर्स वहां पर तैनात कर दी गई है। डेरे को पूरी तरह से, एक तरह से कह सकते हैं, घेराबंदी कर दी गई है और अनाउंसमेंट लगातार किया जा रहा है कि जो लोग आराम से इच्छा से अपनी से बाहर जाना चाहते हैं वो जाए, लेकिन उनके पास कोई हथियार नहीं होने चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी जब सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जो बाहर लोग निकले उसमें से दो पंजाब पुलिस के कर्मचारी भी बताए गए हैं, सिपाही बताए गए हैं, उनके पास से दो AK-47 बरामद हुई हैं, दो रिवॉल्वर और दो पिस्टल बरामद हुई, इसके अलावा 100 गोलियां भी बरामद हुई। यानी कि साफ तौर पर समझा जा सकता है कि किस तरह अंदर घातक हथियारों के साथ लोग मौजूद थे, लेकिन यहां पर सेना बड़ी शांति और धैर्य का परिचय दे रही है और बार बार अनाउंसमेंट कर रही है। कल पंचकुला से जो आग भड़की थी वो किस तरीके से सिरसा तक पहुंची थी, और क्योंकि डेरा का हेडक्वार्टर्स भी वहां पर है तो जाहिर तौर पर वहां पर सुरक्षा को लेकर और पुख्ता इंतजाम होंगे। लेकिन यतेंद्र, इन सबके बीच जो लोग आपके आसपास मौजूद हैं, जरा उनसे भी बात करिए और ये समझने की कोशिश करिए कि जिस सिरसा में वो रहा करते थे, जहां पर डेरा सच्चा सौदा का हेडक्वार्टर हुआ करता था, वहां पर अब सच्ची कहानी सामने आ गई है। कौन सा सच्चा सौदा होता था ये भी साफ हो गया है, क्या अब उनका मोह भंग हुआ है? देखिए बिल्कुल, मेरे साथ डेरा के जो सिरसा के लोग हैं वो तमाम लोग मेरे साथ मौजूद हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। मैं उनसे साफ तौर पर इन्हीं से पूछता हूँ, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, क्या बाबा की सच्चाई अब आप लोगों के सामने आ गई है? क्या अभी भी वो मोह, वो भक्ति, वो विश्वास अभी है बाबा के साथ? जी हमारा तो नहीं है, हम तो सबसे पहले शुक्र गुजार हैं हरियाणा पुलिस के, आरपीएफ के और आर्मी के, क्योंकि हम सबसे खतरनाक एरिया में बैठे थे और इन्होंने हमें सुख शांति और सब माहौल दे दिया और हम सुखी हैं इस माहौल में। अभी पहले से लगता था कि बाबा इस तरह से निकलेंगे? नहीं है, लगता था थोड़ा मोटा, बिल्कुल लगता था भाई, जिस हिसाब से बाबा के खिलाफ जो सबूत मिले हैं, जो कार्रवाई हुई है, ऐसा कुछ लगता था भाई कहीं ना कहीं बाबा दोषी है, कहीं ना कहीं बाबा का कोई ना कोई तो दोष है, जो इतना मतलब माहौल खड़ा हो गया है भाई, जो इतना पंचकुला में वो। सर मेरा कहना यही है, जो हम अंधविश्वास के घेरे में पड़े हुए थे, डेरा समर्थक जिस हिसाब से नुकसान हुआ पूरे हरियाणा का, तो मैं सभी से यही कह रहा हूँ कि पढ़े लिखे लोग अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें और ऐसे अंधविश्वासों में मत पड़े। क्या लगता है जितनी मौतें हुई है, जितना नुकसान हुआ, उसके पीछे बाबा ही जिम्मेदार है? जी बिल्कुल, बाबा के सेवादार। सिरसा नहीं पूरे देश को मिल गया है कि भरोसा करिए बाबा पर, लेकिन अपनी आंखें खोल कर भरोसा करिए, कहीं ऐसा ना हो जिसे आप भगवान समझते वो इंसान तो क्या शैतान निकले। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अहम जानकारी हमें देने के लिए, और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।